आपको एलविस चाचू का न्यू सॉन्ग कैसा लगा? मुंह से बोलो बेटा। ग्रेट ग्रेट। और बहुत अच्छा। और मैं पता है कितना ज्यादा प्यार देती हूं। 1,00,000 हर्ट्स दूंगी उसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपसे उसी तरह कहना चाहूंगी कि अभी दो दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी आई में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, बट स्टिल मैं आज बना रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो फिर बहुत ना मन उब जाता है, कुछ भी आप लगा सकते हो थोड़ा सा। इसलिए तो मैं आज बताऊँगी आपको अपना मॉर्निंग रूटीन और थोड़ी सी बात करेंगे गाने के बारे में जो अरविश का गाना आया है। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं हूँ कोमल कटारे, आप सब कैसी हो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं मेरा 2 गिलास पानी पीती हूँ। मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू करा क्योंकि मैं पी चुकी हूँ। पानी पीने के बाद मैं अपना उसे चाय पीती हूँ, उसके साथ बिस्किट, ठीक है। और अभी मैं लगाऊंगी आटा। ये मेरा आटा मैंने छान लिया है। आटा लगाऊंगी, इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और अपना आटा लगा के करूँगी इसको फिनिश क्योंकि पापा जी रोटी जल्दी खा लेते हैं और आज चटनी बनाएंगे। सब्जी खा खा के ना परेशान हो जाते हैं तो आज प्याज टमाटर की चटनी बनाऊँगी थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा बना के रखने का भी फ़ायदा नहीं है तो थोड़ी सी ही बहुत होती है, तो वो करूँगी उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। अब मैंने चटनी बना दी है और आटा मेरा रख गया है। आज मैंने दाल का आटा लगाया है। पावनी उठ गई है। गुड मॉर्निंग बोलो मिक्की। वो छोटी बच्ची है ना, मेरी अभी 4 इयर्स की है ना। गुड मॉर्निंग बोलो। और मैं आप 5 के हो। गुड मॉर्निंग बोलो। मैं बड़ी बच्ची हूँ। मैं बड़ी बच्ची। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और वहाँ विराज उठ गया है और अभी करेंगे हम विराज की मालिश। पावनी वेरी बैड। गुड मॉर्निंग। पावनी को हिंदी दिवस पर ये कविता प्रस्तुत करनी है अपने स्कूल में प्रॉपर हिंदी में। पावनी 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 कल स्कूल जाना है। हाँ मुझे तो नहीं आएगा स्कूल में। क्यों नहीं आएगा? कल से तो गाती घूम रही है इतना गा रहे हो ना। चलो भी चलो तब। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, मतलब चला रही है वो कर रही है क्या। तो भाई आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि जो अलविश का नया गाना है उस पर लाइक रिव्यू दो। तो गाना बहुत अच्छा है उसमें कोई शक नहीं है, आप देख सकते हो इंडिया में 1 ट्रेंडिंग है। तो अरे आप अपनी वेट कर रही हूँ, मम्मा क्या बोल रही है मैं कुछ बोलूँ। तो गाना बहुत अच्छा है, जल्द ही उस गाने पर भी जो है हम रील बनाएंगे। और अभी काम वाम ख़त्म करके जो है अपना फ्री हो गए हैं, बज रहे हैं 1:10, काम सारा हो गया है, नहा लिए धो लिए रेडी वेडी हो गए, ठीक है। और ये गाइस को देखिए ऐसे ही बैठोगे ऐसे बोलो, इसको बंद करो पहले। और पानी नाश्तिया देखिए नाश्तिया। हिंदी मेरा ईमान है। हाँ? हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं वतन में, मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हम सब के प्यारे लगती सबसे न्या कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रीय भाषा हमारी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। धन्यवाद। वेरी गुड। और पावनी को पहले धन्यवाद बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, धन्यवाद को धन्यवाद धन्यवाद कर रही थी, बट अभी इसने बिल्कुल करेक्ट बोला धन्यवाद। तो बच्चों को हिंदी भी सिखानी ज़रूरी है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, अगर हिंदी ही नहीं सीखेंगे बच्चे तो फिर क्या ही होगा। हिंदी डिफिकल्ट वर्ड है। हिंदी हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश
हाँ, इसने भी सही बोला, हिंदी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, तो अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश सिखाने पे फोकस ना करें, उनको हिंदी भी उतनी ही आनी चाहिए जितनी उनको इंग्लिश आती है। आपको पता है इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी, yes। आप तो कुछ भी बोलते हो। सो भाई, बच्चों को दोनों भाषा जरूर आनी चाहिए, लैंग्वेजेस सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के टाइम पे तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स सिर्फ इंग्लिश सिखाने में इतना मसरूफ हो जाते हैं, या बोलूँ कि इतना मगन हो जाते हैं कि उनको हिंदी ही सिखाना भूल जाते हैं वो लोग, और फिर उनको हिंदी नहीं आती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, दोनों लैंग्वेजेस को सिखाएं अच्छे से। एल्विश का गाना बहुत अच्छा है, पावनी ने भी सुना। पावनी, आपको एल्विश चाचू का न्यू सॉन्ग कैसा लगा? मुंह से बोलो बेटा। ग्रेट ग्रेट। और बहुत अच्छा। और मैं हिंदी पता कितना ज्यादा प्यार देती हूं। 1,00,000 हर्ट्स दूंगी उसे। ओ वाओ, पावनी ने चाचू को 1,00,000 हर्ट्स दे दिए। और लवकेश चाचू को कितने दोगे? कितने दोगे? 1,00,000। अच्छा, उनको भी 1,00,000 दूंगी, क्योंकि मैं अपने अलविश चाचा और लोकेश चाचा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो भाई, जैसा कि आपने सुन लिया, दोनों से बहुत प्यार करती है, पर बस अभी मिल नहीं पाई है उनसे ढंग से। लोकेश भी आता है जाता है, उसके पास अभी टाइम नहीं है। अभी देखो आएगा कब आएगा, एक दो दिन में तो शायद आ ही जाएगा घर पर। लेट्स सी, अभी तो वो लोग कहाँ, शायद मुंबई में है, क्योंकि ट्रैवलिंग में ना अप डाउन हो रहा है, काफ़ी अप डाउन हो गया उनका। तो अभी वो लोग मुंबई में, उनका इवेंट कितना अच्छा गया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। बॉम्बे गए होंगे। हाँ, और शायद वो लोग बॉम्बे गए होंगे। सो भाई, उसके बाद मैंने बोला था मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, बट ढंग से ना हो नहीं पाया वो, तो किसी और दिन दोबारा करूँगी मॉर्निंग रूटीन शेयर आपके साथ। प्रॉपर वीडियो शूट करूँगी उस चीज़ के बारे में, और लाइक मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ दोनों बच्चों के साथ, मॉर्निंग साथ में पावनी का स्कूल भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पावनी अपना मस्त नाश्ता इंजॉय कर रही है, पावनी का फेवरेट है ये नाश्ता, शफ़ा और रोमा डियाना, ये जेन्युइनली। हाँ, हगी बगी शफ़ा, वो शफ़ा में आ जाता है बेटा, वो हगी बगी एक सुना भी होगा आप लोगों ने, बड़ा डेंजर सा डॉल क्रिएचर टाइप बना रखा है, तो वो मुझे नहीं पसंद है इतना, बाकी पावनी को पसंद है। सो विराज अभी सो रहा है, और वो हगी बगी कभी भी सपने में आ जाता है। जी हाँ, और पता नहीं मेरे को कोई वीडियो कॉल कर रहा है, नंबर है बट यार ये फेक वीडियो कॉल्स वगैरह आती हैं लाइक व्हाट्सएप पे, तो प्लीज उनका रिप्लाई ना करें। और गाइस, और मुझे लगता है कि ना जब मैं आवाज कम करो पहले या फिर बोलो, तो फिर ना मेरे सपने में ये आता है कि मैं 1,00,000 ईयर्स की हो गई और वही वाला केक हुआ, तो मेरा नाक वाला लगा हुआ है। कौन से वाला केक चाहिए आपको अपने बर्थडे पे? दूसरे। यार हर महीने 17 तारीख आती है, हर महीने खुश जाती है, आज मेरा जन्मदिन है। और कल पावनी पोलका डॉट ड्रेस डाल कर जाएगी क्योंकि स्कूल में, क्योंकि इनके स्कूल में पोलका डॉट के लाइक आर्ट सिखाया जा रहा है, सो उसके रिकॉर्डिंग ही इन लोगों को ड्रेस्ड अप होकर जाना है। तो पावनी के पास एक टॉप है सी ग्रीन और वाइट में, उसमें डॉट्स हैं लाइक पोलका डॉट्स जो होती हैं वो हैं, सो वीबो वाली ड्रेस जो है डाल के जाएगी अपना, नीचे इसकी जीन्स शॉर्ट्स जो भी होंगे वो मैं पहनाऊँगी। मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक मे बी शॉर्ट्स आर मच बेटर, आई मीन जीन्स आर मच बेटर देन शॉर्ट्स। ओके, सो ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने बता दिया भाई, मैं वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी सच में मेरी आई में बहुत दर्द है, यानी इस आँख की वजह से मेरा ये वाला पूरा हिस्सा बहुत दर्द कर रहा है। दवाई भी मैं नहीं ले रही हूँ सच बताऊँ तो, उसकी पेन किलर की, क्योंकि जितना पेन किलर खाऊँगी जितना देर घंटे आराम होता है ठीक है, उसके बाद फिर से दर्द होता है। और अभी इतना है कि मेरे से ढंग से स्माइल भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्माइल करते वक्त चीक ऊपर जाता है और ये पिंपल लगता है, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस वजह से। सो थैंक यू सो मच।
फिर कहती हूँ गाना बहुत अच्छा है अलविश का, इस पर रील्स हम जल्दी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे जल्दी। इंस्टाग्राम पे कर लेना फॉलो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, बोलो बाय बाय।